गुणवत्ता सूचयन प्रकोष्ठ के अंतर्गत संगीत जीवन शक्ति का अजस्त्र स्रोत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शीर्ष कॉलेजों की सूची में शामिल शिवाजी कॉलेज नेट द्वारा ए ग्रेड प्राप्त है। अकादमिक खेलकूद सांस्कृतिक हर क्षेत्र में कॉलेज ने बुलंदियों को छुआ है। न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शिवाजी कॉलेज एक जाना माना नाम है। संगीत को अब तक इस कला के रूप में देखा जाता रहा है जिससे मनोरंजन होता है और मन को स्फूर्ति मिलती है, पर अब विज्ञान धीरे धीरे इस विश्वास पर उतर आ रहा है कि संगीत एक बड़ा महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। यदि उस शक्ति का यथेष्ट अनुसंधान एवं उपयोग किया जा सके तो अनेक आश्चर्यजनक रहस्य सामने आएंगे। विश्व संगीतमय है, संगीत ही इसकी प्रेरणा और प्राण शक्ति है। यह तत्व इतना महत्वपूर्ण और शक्ति संपन्न है कि इसके उपयोग से हम मृत्यु मुक्त जीवन को अमृत की ओर, निराश जीवन को आशा की ओर, व्यथित और परिक्लांत जीवन को शाश्वत शांति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सहदेव का प्रेरक व्यक्तित्व हमेशा इस तरह के वेबिनार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद सर हमें इस समिति के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे दो शब्द कहें। थैंक यू। शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना का जो यूनिट है बहुत ही एक्टिव यूनिट है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इन्होंने ये संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन कुमार झा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी व्यक्ति जो सम्मानित हमारे अतिथि हैं और प्यारे बच्चे हैं और मेरे कुलीग हैं, सभी इसका आनंद उठाएंगे। सभी को धन्यवाद और पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे। धन्यवाद। कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना समिति की संयोजिका डॉक्टर रुचिरा ढिमजा की कुशल निर्देश में यह वेबिनार आयोजित किया गया है। मैं स्वयं समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हमें निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। अब मैं डॉक्टर रुचिरा मैम को बीज वक्तव्य स्वागत वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। वेबिनार में उपस्थित सभी सुधीजनों, विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों से सम्मानित प्रतिभागियों, प्राचार्य सर एवं प्रिय छात्रों, आप सबका शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन। कोविड-19 के कारण व्याप्त नकारात्मकता और निरंतर गहराती उदासी को दूर करने और संगीत का आनंद लेने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से उत्पन्न होती है वह संगीत कहलाती है। संगीत के मधुर सुरों की मादकता का जीव जगत पर अकथनीय प्रभाव दिखाई देता है। जीवन के व्यस्तम क्षणों में से कुछ क्षण चुरा कर हम सुख दुखात्मक परिस्थितियों में संगीत सुनकर आत्मिक आनंद की अनुभूति लेते हैं। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ, जिसका एकमात्र साक्ष्य है उस समय की एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य मूर्ति और नृत्य नाटक और संगीत के देवता की पूजा का प्रचलन। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के उपरांत वैदिक संगीत का प्रारंभ हुआ, जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की आराधना की जाती थी। रामायण और महाभारत की रचना के समय भी अगर हम देखें तो संगीत का मुख्य प्रभाव दिखाई देता है। संगीतकारों यथा स्वामी हरिदास, तानसेन, अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की उन्नति में अमूल्य योगदान दिया। कालांतर में पंडित रविशंकर, भीम सिंह जोशी, पंडित जसराज, प्रभा अत्रे, सुल्तान खान आदि ने इस परंपरा को और अधिक विकसित किया।
भारतीय संगीत में यह माना जाता है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में अगर हम देखें तो वहां पर ऋचाओं के माध्यम से संगीत की बात कही गई है। अनेक वाद्यों का आविष्कार भी ऋग्वेद में हुआ। यजुर्वेद में संगीत आजीविका का साधन बना। गान प्रधान सामवेद को तो संगीत का मूल ग्रंथ माना गया है। इसमें उच्चारण की दृष्टि से 3 और संगीत की दृष्टि से 7 प्रकारों के स्वरों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के रामायण ग्रंथ में भेरी, दुंदुभी, वीणा, मृदंग और घड़ा आदि वाद्य यंत्रों और भवरों के गान का वर्णन मिलता है, तो महाभारत में कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव हम सबको मोह लेते हैं। तैतीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, याग्बल के रत्न प्रदीपिका, प्रतिभाष्य प्रदीप और नारदीय शिक्षा जैसे ग्रंथों में भी संगीत का परिचय हमें मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 6 अध्यायों में संगीत की चर्चा मिलती है। मतंग मुनि के बृहद देशी से पता चलता है कि 4 या 5 स्वरों से कम कोई भी राग बन ही नहीं सकता। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अनेक वाद्यों जैसे मृदंग, झरझर और गायकों और नृत्यों संबंधी कई बातों का उल्लेख मिलता है। 11वीं शताब्दी के मुसलमान अपने साथ फारस का संगीत लेकर आए। उनकी और हमारी संगीत पद्धतियों में से जो मेल निकला वो भारतीय संगीत में काफी बदलाव लेकर आया। बादशाह अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ हमें मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत की एक बहुत बड़ी परंपरा अपने आप को समृद्ध करती हुई आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। ग्वालियर के राजा मानसिंह भी संगीत प्रेमी थे। उनके समय में ही संगीत की खास शैली ध्रुपद का विकास हुआ। 13वीं से 18वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव की संगीत रत्नाकर, विद्यारण्य द्वारा संगीत सार, लोचन कवि की राग तरंगिणी, रामा मातिक द्वारा स्वर मेल कलानिधि इत्यादि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। कहा जाता है कि भारतीय संगीत शताब्दियों से प्रयास और प्रयोग का परिणाम है। हम गौरवान्वित हैं कि आज हमारे मध्य ग्वालियर घराने से जुड़े संगीत विशारद एवं साहित्यकार डॉक्टर गुंजन कुमार झा उपस्थित हैं, जो संगीत की अपार शक्ति के साथ अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको आनंद विभोर करेंगे। शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा समिति आप सबके सुखद प्रसन्न जीवन की कामना करती है। सर धन्यवाद। आज के वेबिनार में डॉक्टर कुंजन कुमार झा दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत शिरोमणि, पंजाब के प्राचीन कला केंद्र से संगीत विशारद की उपाधियां भी प्राप्त है। आप सन 2003 में सरस्वती पुरस्कार, 2005 में मैथिली शरण गुप्ता पुरस्कार एवं प्रोफेसर सावित्री सिन्हा स्मृति स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं। आप सन 2007 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमफिल में स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं। इनके द्वारा कई पुस्तकें जैसे रघुमंच और भीष्म सहनी के नाटक प्रकाशित हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंच डॉक्टर गुंजन झा को समर्पित करती हूँ, जिससे हम उनकी मधुर वाणी से आनंदित हो सके। सबसे पहले मैं शिवाजी कॉलेज का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। डॉक्टर रुचिरा मैम को प्रणाम, सहदेव सर को प्रणाम और आपको साधुवाद कि आपने यहाँ मेरा परिचय पढ़ा और मुझे ने परिचित कराया। सबसे संगीत का जीवन जीवन के जीवन का जो एक जो जीवन शक्ति का जो अजस्र स्रोत है संगीत, तो इस विषय में काफी कुछ रुचिरा मैम ने बोल ही दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दो बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम जीवन शक्ति की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब मानव सभ्यता के इतिहास से ही
संगीत ने किस तरह उनको अपने जीवन के संघर्षों में साथ दिया होगा, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जो जो लोक संगीत है, जो बिल्कुल आम और मेहनत कश लोग हैं, जब वो श्रम करते हैं, आदिवासी लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, श्रमिक हैं, तो हमने गौर किया होगा कि वो उनके श्रम में भी संगीत है। काम करते हुए, खेती करते हुए वो खास तरह का गायन करते हैं, और वो गायन, वो संगीत उन्हें श्रम करने की शक्ति देता है। ये लोक संगीत की शक्ति, जिसे आप जगह जगह आज भी आदिवासी जनजातीय संगीत के रूप में वो आज भी विद्यमान है, और लोक संगीत में उसकी पूरी संरचना हमें देखने को मिलती है। इसके साथ जो जो अमीर तबका है, जिसके पास जो साधन संपन्न है, वो भी अपने मानसिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए और आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक ताकत के लिए, सामर्थ्य के लिए, वो भी उस संगीत को पसंद करता है। वो संगीत साधारणतया शास्त्रीय संगीत भी हो सकता है और अन्य प्रकार के संगीत भी। तो मसला ये नहीं है कि वो कौन सा संगीत सुनता है, मसला ये है कि संगीत जो है कि हर तरह से आपको जीवन के प्रति, जीवन के संघर्षों के प्रति तैयार करता है, और संगीत आपके भीतर एक एक खास तरह की तरलता लाता है, एक संवेदना लाता है, एक वेदना बनाता है, जिससे कि आप चाहे जीवन के संघर्षों से जीत ना पाए, लेकिन जीवन के संघर्षों में लगातार बने रहने की शक्ति संगीत आपको देता है। मतलब आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्टर। तो संगीत जो है, म्यूजिक इज लाइक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर फॉर एवरीवन। तो ये संगीत की खासियत है। मैम ने, रुचिरा मैम ने कहा था कि रस गगन गुफा में अजर भरे, ये गाना गाने की उनकी उनका आज्ञा थी कि मैं गाऊं, तो ये मैंने आज शिवाजी का भी सुना और दूसरे लोगों का भी सुना। तो मैं इसको अपने तरीके से, अपनी धुन में इसको गाने का प्रयास करता हूँ। कृष्ण जी गेंद खेलै गेला काली दाह में, गेंद खसलन जल में ना। कृष्ण जी गेंद खेलै गेला काली दाह में, गेंद खसलन जल में ना। खसलन जल में, गेंद खसलन जल में, कृष्ण जी कूद पड़ला छन्न गेंद खसलन जल में। फसलन जल में, गेंद फसलन जल में, कृष्ण जी कूद पड़ला छन में। अब तक के बतेतई जाके जसोदा माई के, गेंद खसलन जल में कृष्ण जी गेंद खेले। शबे गम, शबे गम मुझसे मिल कर ऐसे रोई, शबे गम जिससे मिल कर ऐसे रोई, मिला हो
जैसे सदियों बाद कोई मिला हो, जैसे सदियों बाद हमें अपनी समझ आती नहीं खुद, हमें अपनी समझ आती नहीं खुद, हमें अपनी समझ आती नहीं खुद, हमें क्या खाक समझाएगा कोई, हमें क्या खाक समझाएगा कोई, हमें क्या खाक समझाएगा कोई। करी मंजिल पे आके दम है टूटा, करी मंजिल पे आके दम है टूटा, कहा कर मेरी तकदीर सोई, कहा कर मेरी तकदीर सोई, कहा कर मेरी तकदीर सोई। हाथ कमल दर
चरखा वो चरखा बोले आठ कमल दल चरखा बोले आठ कमल दल चरखा बोले पांच तत्व गुण तिनी चदरिया पांच तत्व गुण तिनी चदरिया आनंद का अनुभव हुआ होगा। जब तक दूसरी रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक दो पंक्तियां मेरी ओर से। बातें करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी बातें करनी
ले गया छीन के कौन आज मेरा सभी रोकरा बेकरारी तुझे ऐद कभी ऐसी तो न थी बात करनी। अब आनंद दीजिए गुंजन जी की मधुर आवाज का।
बरद अहे गोसाई सहज सुमति वरद अहे गोसाई अनुगत गति तू पाया जय जय भैरवि असुर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं की ओर से कुछ प्रश्न आए हैं। संगीत में घरानों का क्या महत्व होता है? रागों का। संगीत में घरानों का क्या महत्व होता है? देखिए, जब जो शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ घरानों में ही सुरक्षित रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर भारत में इस्लाम का शासन हुआ तो जब उनके साथ जो संगीतज्ञ आए और हिंदुस्तान में जो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, इन दोनों के मेल से एक मिला जुला एक संगीत निकल के आया। लेकिन आम जनता जो है शास्त्रीय संगीत को, आम जनता को वो उपलब्ध भी नहीं था और आम जनता से इसलिए शास्त्रीय संगीत एक तरह से अलग सा था, तो उसको संरक्षण देने का काम राज्याश्रय में हुआ। तो अब राजाश्रय में ही वो अपने अपना रियाज करते थे और गाते थे। तो ये जो पूरी परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है, इसको संरक्षित रखने में, इसको बनाए रखने में उन घरानों की भूमिका है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक गायक ने फिर अपने बच्चे को सिखाया, फिर उसने अपने, ये जो पीढ़ियां चली आई तो इन्होंने उसकी जो एक गाने की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, जो गाने की जो शैली थी, वो उसको बनाए रखा। और विभिन्न घरानों की अपनी पूरी शैलियां कमोवेश उस रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये उसकी बड़ी भूमिका है घरानों की, शास्त्रीय संगीत को बनाए रखने में, उसके मूल रूप को काफी हद तक बनाए रखने में। जी सर, आवाज सुरीली व सुंदर कैसे करें? आवाज, देखिए आवाज, कोई भी आवाज जो है बेस खराब नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि फेयर एंड लवली में फेयर शब्द जो है हटा दिया गया है, क्योंकि सुंदरता का कोई मतलब फेयर से नहीं है। उसी तरह आवाज की कोई एक क्वालिटी नहीं जिसको आप अच्छा या बुरा कहें, जो भी आवाज सुर में है वो अच्छी है। अब आवाज सुर में कैसे आएगी, कुछ तो वो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान की तरफ से कहते हैं कि वो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसको एक उसके वॉइस में वो क्वालिटी होती है कि वो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन ये कुछ ही है। बाकी सब जो है रियाज के माध्यम से, सही संगीत शिक्षण से और रियाज से उसको अच्छा किया जा सकता है, सीख करके, स्वर की साधना करके आवाज को सुरीली की जा सकती है। जी सर, भारतीय संगीत की चुनौतियां क्या हैं? भारतीय संगीत जब हम कहते हैं तो उसमें उसका रेंज बहुत ज्यादा हो जाता है। उसमें शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, जो फिल्मों में जो गाए जा रहे हैं वो गीत हैं। तो इसलिए उसकी क्या चुनौतियां ना, तो उसकी चुनौतियां तो थोड़ा व्यापक हो जाएगा। मैं इसको शास्त्रीय संगीत में जोड़ के ले लेता हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो है वो कभी भी आम जनता का जो है बहुत फेवरेट नहीं रहा, क्योंकि वो उसको सहज उपलब्ध भी नहीं था। लेकिन क्या था कि जो पहले जो फिल्मों में जो फिल्मों के जो गीत हैं वो एक तरह से लोगों का टेस्ट बनाते भी हैं और लोगों के टेस्ट का ख्याल भी रखते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी होते हैं। तो फिल्मों का बहुत बड़ा रोल समाज पर है। फिल्म जिस संगीत को अपना लेता है वो संगीत समाज में लोकप्रियता के नए नए आयाम स्थापित कर लेता है। शास्त्रीय संगीत जो है वो जब पुराने समय में आप देखें 60-70 के दशक में, तो शास्त्रीय संगीत के आधारित ही सारे गीत आते थे और वो जो संगीतकार जो उन्हें बनाते थे वो शास्त्रीय संगीत को जितने जानकार होते थे। लेकिन धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत जो है वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में जाता गया और उसकी जगह वेस्टर्न म्यूजिक का उसमें दबदबा कायम होने लगा। तो ये एक बड़ी समस्या है शास्त्रीय संगीत के लिए कि वो उसका जो असर था फिल्मों पर और जो पॉपुलर म्यूजिक है उस पर, वो लगभग लगभग खत्म सा होता गया है। लेकिन ये उन सब के बावजूद भी शास्त्रीय संगीत लगातार गाया जा रहा है,
बहुत सारे हजारों हजार आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट उसको सीख रहे हैं, उसका रियाज कर रहे हैं। चुनौती में एक बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से, मैं एक नए सिंगर्स के रूप में ये कहूँगा कि वो ये है कि सुनने वाले जो हैं वो इतने नहीं हैं, और ये एक चुनौती तो है मगर कर रहे हैं लोग। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर मृदुला मैडम का कि वे धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम के समापन की औपचारिकता को पूरा करें। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। हाँ जी जरूर सर। एक तो ये कि थोड़ा तकनीकी वजहों से आज मैं बहुत लाइव गा नहीं सका, मैंने प्रयास किया कि वीडियो हटा के भी गाए, तो तकनीकी वजह पर ठीक है, कुछ गाने तो चला लिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। रुचिरा मैम ने इस कार्यक्रम में मुझे मोटिवेट किया, मुझे बताएं, और उनका बहुत बहुत आभार, उनको और सहदेव सर को बहुत आभार, शिवाजी कॉलेज को मेरी तरफ से बहुत मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और प्रयास करेंगे कि जब अगला कभी कोई ऐसा अवसर हो तो हम इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से तकनीकी रूप से भी उसमें कोई त्रुटि ना हो, इसका प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी यस मैम। आज टेक्नोलॉजी ने अपना असली रंग दिखा दिया। बहुत इच्छा थी लाइव सुनने की, समहाउ लाइव नहीं सुन पाए, बट क्योंकि ठीक है हम एक शुरुआती दौर में हैं जब हम अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन चेंजेस के साथ जो कि रिसेंटली आए हैं, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ओनली कि हमने जो पहले रिकॉर्डिंग्स की हुई थी वो सुन पाए और हम कुछ अच्छे भजन का, रोमांटिक गजल्स का, जो खास तौर पे मैथिली भजन, कृष्ण भजन, उनका हम आनंद ले पाए। थैंक यू वेरी मच आपने गुंजन जी आज समय दिया, हम आपके साथ बैठकर आपके गाए हुए मधुर गजलों को हम सुन पाए। रुचिरा मैडम आपने भी बहुत सुंदर गाया, इसी बहाने गुंजन जी के बहाने मौका मिल गया आपको भी सुनने का, और गुंजन जी आपने बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए कि घरानों का क्या महत्व है, कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर घराने ने अपनी गायन शैली को बनाए रखा, और शायद यही फर्क है अलग अलग जगह के घरानों में, कि शायद कुछ शैलियों से ही पहचान हो जाती होगी कि ये कौन सा घराना है और वो कौन सा घराना है। एक खास बात कि शास्त्रीय संगीत की चुनौतियां क्या हैं, और ये आपने कहा कि हाँ फिल्मों में जिस संगीत को अपना लिया जाता है वो पॉपुलर हो जाता है, वो लोगों के बीच में एक्सेप्ट किया जाता है। मैं मानती हूँ कि आज के भी जो बड़े बड़े संगीतकार हैं वो शायद अच्छा ज्ञान रखते होंगे शास्त्रीय संगीत का, उसके बिना वो इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है, ये बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा क्योंकि ये बेस है, इसी के दम पे पूरी की पूरी इमारत, जो इमारतें बन रही हैं। फाइनली थैंक्स सारी एनएसएस टीम को जिन्होंने इस सिचुएशन में आज प्रोग्राम को संभाला, उर्वशी मैडम जिन्होंने इमिजिएटली हमें लाइव ना होते हुए भी हमें गजल सुनने का मौका दिया, तो एटलीस्ट जो हमारी एक दिल की आस थी कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा वो हमारी आस पूरी हुई। पूरी एनएसएस टीम को थैंक्स, रुचिरा मैम को थैंक्स जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और गुंजन जी आपको बहुत 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 थैंक्स, उम्मीद है अगली बार हम आपको लाइव भी सुन सकेंगे, एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।